मेरे हिसाब से पूरे ज़िले में क्या कहीं भी नहीं बन रहा है। और आज उसी कड़ी में आज 50 ऑक्सीजन सिलेंडर का एक और प्लांट जो नगरपालिका नौलगढ़ द्वारा बनाया जा रहा है उसका भी भूमि पूजन कर दिया गया है और जल्दी अगले 10 दिन में वो भी बनके तैयार हो जाएगा। फिर ऑक्सीजन के लिए मेरा ये मानना है कि कैसी भी महामारी के दौर से हमें गुजरना पड़े, हमारे नौलगढ़ के जिला अस्पताल में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। इसके साथ ही आप देख रहे हो कि हमारे विधायक महोदय लगातार इस प्रयास में है, क्योंकि ये जो वायरस है इसका हमारा मानना है कि ये कोई प्राकृतिक वायरस नहीं है, ये कोई ना कोई बनाया हुआ वायरस है जिसकी ये लग रहा है कि एक तरीके से कोई बायोलॉजिकल वार टाइप कोई सिस्टम हो। तो इसको देख के भविष्य की चिंता अभी से हम करेंगे कि आने वाले समय में इन परिस्थितियों से हमें महामारियों से गुजरना पड़ सकता है। तो हमारे आज नवलगढ़ ब्लॉक में आपको पता है 7 CSCs काम कर रही हैं और 8वीं जेजूसर की जल्दी ही घोषणा ये मान लो हो चुकी है, वो भी बनने को तैयार है। इसके अलावा हमारे जो PSC है और हमारे सब सेंटर हैं उन पे भी सभी प्रकार की दवाइयों की मशीनों की जो जो उपलब्धता करवाई जा सकती है वो विधायक महोदय अपने फंड से भामाशाहों के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा लगातार पूरी मॉनिटरिंग के साथ करवाते जा रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि जल्दी पूरा जिला ही नहीं आसपास के जिले के लोग भी बड़ी आशा भरी दृष्टि से हमारे नवलगढ़ के इस अस्पताल को देख रहे हैं। उनके सपनों का अस्पताल, हमारे विधायक महोदय के सपनों का अस्पताल, हमारी पूरी टीम के सपनों का अस्पताल, पूरा सभी सुविधाओं के सुसज्जित जल्दी ही बनके आप लोगों के बीच में तैयार खड़ा है और किसी भी प्रकार की कोई पेशेंट को समस्या नहीं आने दी जाएगी। हमारे माननीय विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी जन सेवा को अपना क्रम समझते हैं। उन्होंने अपनों को किसी चिकित्सा सुविधा को अभाव में कोई किसी को तकलीफ नहीं हो इसके लिए उन्होंने अपना पूरा बजट झोंक दिया इस वैश्विक महामारी में। और कुछ दिनों पहले जैसे प्रधान जी ने बताया HPCL अपने विधायक जी के प्रयासों से दो दो जो प्लांट मिले थे हमारे उप जिला अस्पताल को, जिसमें 100 सिलेंडरों का कुछ दिनों पहले हमने भूमि पूजन किया था हमारे डॉक्टर विधायक जी के आदेश पे। आज हमने नगर पालिका द्वारा जो 50 सिलेंडर का जो ऑक्सीजन प्लांट बनाया जा रहा है आज उनका हम हमारे पूरी टीम ने डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी की पूरी टीम ने मिलकर उनका भूमि पूजन किया है। और मैं मानता हूँ कि जो सपना हमारे माननीय विधायक जी ने इस हॉस्पिटल के लिए देखा है आने वाले टाइम में, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे राजस्थान में टॉप अस्पताल में हमारा अस्पताल गिना जाएगा और हर स्टेट से हर जिले से लोग यहाँ आने की जो इसकी सुविधा है उसका लाभ लेने के लिए आएंगे। और मैं यही बताता हूँ कि जो सपना हमारे विधायक जी ने देखा है इस हॉस्पिटल के लिए और हमारे नौलगढ़ के लिए, हमारी पूरी टीम और हमारी पूरी नौलगढ़ की जनता उनके साथ है। धन्यवाद। आज दोबारा ऑक्सीजन इसके भूमि पूजन किया गया है। पहले हमारे भूमि पूजन किया गया था, वो बनकर तैयार हो गया है श्रीमान गोविंद जी बासोतिया द्वारा। अब की बार जो नगर पालिका द्वारा ये बनाया जा रहा है, तो आज की अभी आपने प्रधान जी ने हमारे चेयरमैन जी ने आपको बताया, तो हमारे विधायक जी का सपना एक ही है कि नौलगढ़ की जनता ही नहीं आसपास में शेखावट की जनता भी कोई भी तकलीफ नहीं पाए। तो सभी भामाशाहों को भी धन्यवाद देता हूँ, हमारे विधायक जी को, डॉक्टर राजपाल शर्मा जी ने, जिन्होंने पूरी दिन रात अभी जो महामारी आई थी पूरी रात तक जग करके सभी की मदद की। और मेरी उम्मीद है कि नौलगढ़ के अंदर हर अस्पताल में नहीं कोई भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। शिलान्यास आज आपके सामने भी आपने देखा कि ये जो 50 सिलेंडर का जो ऑक्सीजन प्लांट बनने वाला है इसका शिलान्यास हमारे नगर पालिका चेयरमैन साहब ने, उपाध्यक्ष साहब ने, प्रधान साहब ने और अन्य पार्षदगणों ने जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ है। और मेरे पीछे देख रहे हैं कि 200 सिलेंडर का हमने थोड़े दिन पहले इसका शिलान्यास किया था इसी टीम ने, तो ये लगभग पूरा तैयार हो गया, इसका ढांचा मशीन का कार्य चालू होगा। तो जैसा कि हमारे लोकप्रिय विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी का जो एक मेडिकल को लेकर एक सपना था शुरू से ही, आज से नहीं 2008 से 2003 से, इवन मैं 2003 से जब मैं मेडिकल कॉलेज में था तब की बात बता रहा हूँ आपको, उस टाइम से इनका इस मेडिकल क्षेत्र में ऐसा सपना था कि ऑक्सीजन दवा और खून के अभाव में यहाँ के नौलगढ़ के नहीं किसी झुंझुनू जिले के नहीं राजस्थान के किसी भी आदमी की जान नहीं जानी। तो इस क्रम में इन्होंने पहले ये ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया, अभी दूसरे का इस शिलान्यास ये नगर पालिका द्वारा किया जा रहा है। और
आपको मैं बता दूं कि कुछ ही दिनों में ये जो ट्रॉमा सेंटर है अपना यहाँ पे जो स्वीकृत हुआ है, ये ट्रॉमा सेंटर जैसे बन जाएगा उसके बाद में झुंझुनू ज़िले का नहीं राजस्थान में के जो टॉप 5 अस्पताल होंगे उनमें से एक नवलगढ़ क्षेत्र का नाम आएगा। आज नवलगढ़ के इतिहास में एक नया नाम जुड़ने जा रहा है कि नवलगढ़ जैसे क्षेत्र के अंदर जहां कोई सोच नहीं सकता था कि दो दो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट हमारे माननीय विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी की प्रेरणा से, उनके अथक प्रयास से नवलगढ़ के सरकारी राजकीय चिकित्सालय के अंदर दो दो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, अभी 450 LPM के लिए हमने 10 दिन पहले ही उसका शिलान्यास किया था, वो लगभग पूरा मान के पूरा हो गया है, और आज 250 LPM का अपना 50 सिलेंडर का जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगने वाला है इसका शिलान्यास अपने कर दिया है, और यथाशीघ्र ही 10 दिन या 15 दिन के अंदर ये इसमें मशीन ला के अपना ऑक्सीजन जनरेशन चालू हो जाएगा। और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आने वाले दिनों में विधायक जी के अथक प्रयास से हमारे पास ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट आने वाले हैं कि वो वैसे इंस्ट्रूमेंट्स जिले में किसी के पास नहीं होंगे, ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के आई सर्जरी के, ENT सर्जरी के, है ना, और अपने और थोड़ी सर्जरी के ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट अपने पास जो कि अभी तक वो इंस्ट्रूमेंट केवल मेडिकल कॉलेज स्तर पर ही अवेलेबल है अपने पास में। तो मैं माननीय विधायक जी का इसके लिए बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, और उनका जो स्वप्न है कि अपना नवलगढ़ का जो मरीज है उसको कहीं बाहर नहीं जाना पड़े, उसका जो ट्रीटमेंट है वो नवलगढ़ में ही हो, और ये सपना नवलगढ़ की जनता का बहुत यथाशीघ्र जल्दी ही पूरा होने वाला है। और हमारे माननीय विधायक जी का एक स्वप्न और है कि वो ऐसा ICU बनाना चाहते हैं, उन्होंने कहा है कि इसका एस्टिमेट बना के मेरे को यथाशीघ्र दिया जाए कि जो कि जयपुर के फोर्टिस या एटर्नल हॉस्पिटल में भी ऐसा ICU नहीं हो, ऐसा ICU बनाने का उनका सपना है, वो भी यथाशीघ्र ही ये सपना पूरा होगा। और हम इसके लिए माननीय विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि जनता को और भी अच्छी यहाँ ट्रीटमेंट मिल पाएगा। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ सुरेश भास्कर जी, आप देख रहे हैं काम देख रहे हैं इस समय ऑक्सीजन प्लांट का जो ये आज शिलान्यास हुआ है ये वो है, और ये जो प्लांट पहले जो तैयार हो रहा था 100 सिलेंडर वाला, तो इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं तमाम व्यवस्थाएँ